नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली। गुरमीत सिंह ने राज्य के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्य सचिव एसएस संधु और सभी आलाधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है। हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। पूर्व सीएम और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग सिपेट संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही निरीक्षण कर संस्थान में रखे गए छात्रों के लिए प्रशिक्षण उपकरणों का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि सिपेट संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार की 100% संभावना है। आज देश के टॉप 10 संस्थानों में डोईवाला सिपेट संस्थान की भी गिनती हो रही है। सीपेट संस्थान देश का एक ऐसा संस्थान है जिसमें रोजगार की 100% गारंटी है और मुझे इस बात की खुशी है। इस संस्थान की नींव जब रखी गई थी तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री के नाते और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनंत कुमार जी, जो अब नहीं हैं, स्वर्गीय हो गए हैं, उनके द्वारा इसको रखी गई थी और जिस कल्पना के साथ इस संस्थान की नींव रखी गई थी वो हमारे लिए एक खुशी की जानकारी है कि आज देश के टॉप 10 संस्थानों में आज सीपेट डोईवाला की गिनती हो रही है। नैनीताल भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के हीरानगर आवास में मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके से घर का मुख्य गेट, दरवाजे और खिड़कियां तक ध्वस्त हो गईं। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा क्षेत्र दहल उठा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन टीम ने पहुंच घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि धमाका किस चीज से हुआ है। फिलहाल जिलाध्यक्ष के आवास में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी जांच में फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। अंदर जी कहाँ हैं? वो है, वो बैठे हैं। बुलाओ ना उनको। रात लगभग 12:45 बजे एक तेज धमाके के साथ आवाज आई तो हम सब लोग उठे, देखा तो ऐसा लगा सारा घर अस्त व्यस्त है। बच्चे और मेरे परिवार के लोग बड़े घबराए हुए, सहमे हुए थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी है। मैंने सोचा कि भूकंप आ गया और मैं तुरंत खोलकर दरवाजे से बाहर आया तो देखा बाहर सारी स्थितियाँ सामान्य थी जी। तो फिर मुझे एहसास हुआ ये पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है। पुलिस उसमें जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी कारण बताएगी मैं सोचता हूँ वो ठीक ही होगा और जल्दी पुलिस इसका निस्तारण कर देगी। किच्छा कोतवाली के बाहर नशे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उन्होंने एसएसपी कार्यालय के बाहर एक दिन का उपवास का ऐलान किया। वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो डीआईजी और डीजीपी कार्यालय के बाहर देहरादून में धरना देने का ऐलान कर दिया। जानकारी में है कि नशे का कारोबार इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है। किच्छा के अंदर भी बुरे हालात हैं।
मुझसे कई महिलाएं मिली हैं, बच्चों को लेकर भविष्य को लेकर चिंतित है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। नौजवानी नशे में जा रही है, नौजवान नशा कर रहा है और ऐसा नशा है स्मैक से लेकर गंदे गंदे नशे हैं जिनका नाम कभी नहीं सुना। तो उसके खिलाफ, उसके अंदर जो नशे का कारोबार है वो बगैर पुलिस की मिली भगत के नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है। मुझे पुलिस के लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि साहब पुलिस बिकवाती है, पैसे लेती है, महीना लेती है, और कल DIG ने भी इस बात को माना है। तो उसको लेकर हम धरने पे हैं। आज हमारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना है। अगर ये पुलिस नहीं सुधरेगी तो हम इसको और आंदोलन के रूप में इसको हम तेज करेंगे। मैन स्मैक का बहुत कारोबार हो रहा है, लोग बाग बहुत बेच रहे हैं, आने वाली छाई साड़ी बिगड़ रही है। सारे दिन नशा पी पी के अपने घरों से सिलेंडर लो, बर्तन लो, मारपीट घर में कर रहे हैं महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ अपने में। और यदि हम कहते हैं तो हमारी पुलिस कोई सुनकर राजी नहीं है। पुलिस के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले, इस पूर्व से पहले भी अभी तक हम स्मैक में करीब 26 लोगों को जेल भेज दिए चुके हैं। करीब 9 किलो चरस हमने बरामद कर ली है। करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है और दारू में हमने करीब 60 लोगों को जेल भेजा है और 2200 लीटर अवैध दारू बरामद की है। करीब 1,00,000 लीटर अवैध लहान नष्ट किया है। पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, भविष्य में लगातार कार्रवाई होती रहेगी नशे के प्रति। उत्तराखंड में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा इन दिनों दूसरे दलों के बड़े नेताओं को BJP में शामिल कर रही है। संगठन में नए लोगों की एंट्री से अंदर खाने शुरू हुए विरोध को लेकर महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि संगठन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों का स्वागत है, लेकिन BJP ज्वाइन करने के साथ उनका टिकट पक्का नहीं हो जाता है। जो भी जिताऊ और समर्पित कार्यकर्ता होगा, हाईकमान उसी के नाम पर अंतिम निर्णय लेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की रीति नीतियों और राज्य सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के, चाहे माननीय कोई विधायकगण है या किसी भी पार्टी के अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं और हमारी जो सरकारों की उपलब्धियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, कार्यकर्ता कोई नाराज़ नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को मालूम है कि पार्टी ने जिसको टिकट देना है, पार्टी की एक अपनी रीति नीति है, उसके अनुसार ही टिकट देगी और जिताऊ कैंडिडेट को पार्टी विधानसभा चुनाव में आगे लेकर के आएगी और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी ध्यान में रखेगी पार्टी। इस प्रकार की नीति हमारी है। उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक घोटाले खुलते जा रहे हैं। अब उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन को लेकर उक्रांद युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन में अवैध रूप से नियुक्तियों का कार्य हो रहा है, साथ ही अनियमितताओं और सरकारी बजट के दुरुपयोग को लेकर उक्रांद युवा प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में विभाग के निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन इस पर लगता है कि किस प्रकार से जो UKMRC जो डिपार्टमेंट है, किस प्रकार से उत्तराखंड का जो बजट है उसको किस प्रकार से ठिकाने लगाने का कार्य कर रहे हैं। और 2017 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य था कि हम किस प्रकार से देहरादून से लेकर ऋषिकेश और अपना हरिद्वार को ज्वाइंट करके हम इसको जोड़ के रखें, लेकिन आज तक भी रत्ती भर काम आप धरातल पर देख लीजिए। इसमें मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना कीमती समय दिया और इसमें भी अगर आप जाँच करेंगे तो इसमें रत्ती भर भी काम कार्य नहीं हुआ और देशों विदेशों में यातायात के तौर पे और सर्वे के तौर पे इन्होंने अरबों रुपए इसमें ठिकाने लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, अगर जो यहाँ पर अधिक कहीं ना कहीं इसमें उच्च अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं तो इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो उत्तराखंड क्रांति इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।